आपके पापा यहाँ आके मूर्ति को बनवाए सर, और वो उन्होंने जमीन दिया, मम्मी आके उद्घाटन किए, मतलब पूरा जान देंगे, 34,000 धोबी है, मर जाएंगे बाकी छोड़ेंगे नहीं धोबी घर। नीतीश कुमार जी और लालू जी में यही फर्क है ना कि लालू जी बसाते थे गरीबों को और नीतीश कुमार जी उजाड़ रहे हैं। अपने मुख्यमंत्री ने बाकी और सबसे क्या लेना देना उनको, बाकी गरीब रहे या मरे उनको क्या लेना देना। श्याम रजक जी हमको बताएं, आए थे ना हमारे आपके पापा यहाँ आके मूर्ति को बनवाए सर, और वो उन्होंने जमीन दिया, मम्मी आके उद्घाटन किए, आपके राज में अगर हो जाएगा तो हम लोग पूरा जान देंगे, 34,000 धोबी है, मर जाएंगे बाकी छोड़ेंगे नहीं धोबी घर। ठीक है, बात कर लीजिए, जाइए। ये सर मैं आपको विज्ञापन दिए है, ये मैं सारा समस्या। एक चीज और बता रहे सर, इसमें पापा 35 लाख रुपया दिए थे जिससे 6 धोबी घाट बन गया, और 6 धोबी घाट का जीर्णोद्धार होने के लिए 2 करोड़ रुपया है, 2 करोड़ रुपया घोटाला कर लिया। ठीक, सारा एस्टिमेटेड जो पता लगता है जी। तो आप मुख्यमंत्री नहीं, मुझे सबको दिए हुए सर, आपके आपके पार्टी की विधानसभा क्वेश्चन भी किए हुए सर। देखिए अब आपको बताऊँ, कई लोग हमारे घर आए थे, महिलाएं आई थी, और ये सारा बसाया सब लोग जानते हैं कि लालू जी का बसाया हुआ है, आदरणीय श्रीमती राबड़ी देवी जी के बसाए हुए लोग, और ये सरकार ने ही बसाया था, और कोर्ट का गाइडलाइन भी है भाई, चलो ठीक है पथ बन रहा है, पुल बन रहा है, तो ये लोग तैयार हैं, लेकिन वैकल्पिक जगह तो चाहिए ना। तो वो जगह जो है अब इन लोगों को बिना नोटिस के इन लोगों को भगाना, गरीब लोग हैं। नीतीश कुमार जी और लालू जी में यही फर्क है ना कि लालू जी बसाते थे गरीबों को और नीतीश कुमार जी उजाड़ रहे हैं। ये गरीबों के नेता नहीं हैं, इनको क्या लेना देना, अपना कुर्सी पे खाली चिपके रहे। अपने मुख्यमंत्री ने बाकी और सबसे क्या लेना देना उनको, तो उनको तो और किसी से मतलब है नहीं। अगर मतलब होता तो कितना दूर है मुख्यमंत्री आवास से, एक बार भी थोड़ा सा लालू जी तो खुद खड़ा होकर के मूर्ति का स्थापना करवाएं, जी जी रैन बसेरा बनवाएं, सब कुछ जो है मछली मार्केट बनवाएं, सारा खुद आ करके खुद आते थे, खुद बनवाते थे। लेकिन नीतीश जी में वो बात नहीं ना है, उनको तो बस शेष का जो जीवन जो है वो मुख्यमंत्री रहते हुए कट जाए अच्छे से, बस वो वही चाहते हैं, बाकी गरीब रहे या मरे उनको क्या लेना देना। तो हम लोग सब लोग के पास लोग आए थे तो बोलो ये तो भाई बड़ी संख्या है गरीबों की, अच्छा आप बताओ इनसे पूछो, छोटे छोटे बच्चे हैं, महिलाएं हैं, बुजुर्ग हैं, सारे चेहरे उधर कैमरा अगर कीजिएगा तो देखिएगा, ये लोग जाएंगे क्या? ना सरकार रोज़गार देती है, ना नौकरी देती है, ना कोई रहने का व्यवस्था कराती है, महंगाई बढ़ाई जा रही है, खाएगा पिएगा कहाँ, रहेगा कहाँ, आप बता दीजिए। ये सरकार से ही ना पूछेंगे भाई, सरकार का ना काम है, सरकार के हेड मुख्यमंत्री तो मुख्यमंत्री से पूछेंगे ना कि भाई, या प्रशासन से हम लोग नहीं पूछेंगे कि कहाँ जाएंगे ये बुजुर्ग, कहाँ रहेंगे, 3 बजे भोर से क्या काम करेंगे, खाएंगे, इन पे करो, सरकार का उपकार तो है नहीं नीतीश जी का, ये तो अपना मेहनत का रोटी कमा रहा है, जितना लोग है सब अपना मेहनत का खा रहा है, कोई नीतीश जी कुछ दे रहे हैं क्या इन लोगों को? हाँ ये बात सच है कि लालू जी ने बसाया, उस समय की गरीब की सरकार थी, आज जो है अमीरों की सरकार है। तो हम लोग आए हैं, हमने DM साहब से समय मांगा है, हमारा डेलीगेशन जाकर के मिलकर के आएगा, डेलीगेशन में से सब लोग एक एक टीम है, और इस चीज़ को जो है भाई कोई बड़ा काम नहीं है, चाहेगा तो खाली सेटलमेंट ही तो करना। अब आप बताइए ना, बगल का जो ज़मीन हम गए, वो उप मुख्यमंत्री के परिजन लोग जो है कब जा रहे हैं, ये लोग FIR किया नहीं लेता है, कोई नहीं पूछता, क्यों भाई क्यों नहीं कार्रवाई होगी? सरकारी ज़मीन पे उप मुख्यमंत्री या मुख्यमंत्री कब्जा कर लेगा अपने परिजनों से? यही है ना भाजपा का असली चेहरा। हाँ तो ये सब उजागर हो गया, और सारी चीज़ें हैं ये तो भाई बड़ा गंभीर मसला है। अगर उप मुख्यमंत्री के परिवार का लोग अगर कब्जा रहा है, वो ज़मीन है उनको, सारे गरीबों को वहाँ बसा दो, क्या दिक्कत है, क्यों नहीं बसाया जा रहा? सरकारी ज़मीन है और मैपिंग के हिसाब से भी कोई भी अलाइनमेंट में नहीं आता है। अभी विधानसभा चल रहा है, इस मुद्दे को उठाएंगे क्या, अगर ऐसी बात होती है तो? कुछ वाले के साथियों ने उठाया है, आगे कल देखते हैं क्या बात होती है।